ब्लास्टर के तौर पे। इस ब्लास्टर के तौर पे मैंने आपको बताता हूँ कि इसमें सिर्फ सिंपल सा प्रोसेस रहता है। हमारे पास एक डायनमो होता है, एक छोटा सा बॉक्स, उससे हम पहले करंट जनरेट करते हैं और करंट जनरेट करने के बाद वो बटन प्रेस किया जाता है। बटन प्रेस होने के बाद इमीडिएटली जितने भी अंदर शॉक ट्यूब्स में डेटोनेटर्स लगे हैं सब इग्नाइट हो जाएंगे और विद इन 9 सेकंड उसे ब्लास्ट करेंगे एंड देन बिल्डिंग विल स्टार्ट क्लस्टर। बताया गया कि लगभग 400 मीटर तक कोई भी आदमी नहीं रहेगा सिवाय आप 6 लोगों के। हाँ जी। उस बटन दबाने की प्रक्रिया आप वहीं खड़े रहेंगे, आप वहां से जाएंगे, कितना खतरा है? हम लोग वहीं रहेंगे, कोई खतरा नहीं है। ये हम ऑलमोस्ट 50-70 मीटर अवे होंगे इससे एंड वी आर वेरी श्योर कि वहां तक कुछ भी नहीं होगा और हम लोग सब वहीं खड़े रहेंगे और बिल्डिंग को ऊपर वाले की कृपा से बिल्कुल ठीक गिरता हुआ देखेंगे। ब्लास्ट की प्रक्रिया क्या होगी? पहले कौन सा टावर ब्लास्ट होगा या क्या स्टेप बाय स्टेप टावर गिरेगा? कैसे? बटन प्रेस होने के बाद मैंने आपको बताया कि सभी डिलेज में इग्नाइट हो जाएंगी और हम लोगों ने जो डिले यूज की हैं 200 ms से लेके 7000 ms तक की डिले यूज हो रही हैं इसमें, तो उन्हीं मिली सेकेंड्स पे ये ब्लास्ट होगा। जो पिच मैंने आपको बताया था, हमारे जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं वो टीम यहाँ लास्ट फरवरी से यहाँ काम कर रही है एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट इन दिस एंड एडिविस इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इस मामले में, इस काम में, और पिछले 6-8 महीने से इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं एंड वेरी मच श्योर कि बिल्डिंग बहुत ही सेफ साइड पे, जो हमारी सेफ जोन है वहीं गिरेगी और आसपास बिल्डिंग्स को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो बटन दबाने के लिए आपको क्यों चुना गया? इसके लिए कोई खास एक्सपर्टीज चाहिए होती है क्या आपको? मैं भी एक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट ऑफ ब्लास्टर एंड एज पर इंडियन लॉ, जो इंडिया में किसी भी ब्लास्टिंग के लिए प्रोसेस के लिए कोई बटन प्रेस करना है, दे शुड बी इंडियन रेजिडेंट एंड हैविंग द कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। ये भी